बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड विद सनाली किचन। में आज हम बना रहे हैं डोडा बर्फी रेसिपी, बहुत इजी और क्विक मेथड से बहुत यमी और रिच बनने वाली है ये रेसिपी। हमारे घरों में जो भी दूध फट जाता है हम उसे ज़ाया कर देते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी फटे हुए दूध को ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि इस तरह की यमी सी बहुत ही देसी डोडा बर्फी तैयार करनी है। बहुत इजी और क्विक मेथड से बनाएंगे। सभी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को फॉलो करना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। 1 लीटर हमारे पास कच्चा दूध था, अच्छा गाढ़े वाला, और ये फट चुका है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लेना है। इसका पानी अलग हो चुका है और दूध जो है बिल्कुल अलग हो चुका है। अच्छे टेस्ट के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच खुश्क दूध शामिल कर दिया है। मेरे पास लीडो था, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर दें। और 2 चम्मच मैंने इसमें सूजी शामिल कर दी है। इससे जो है ये जो दूध में पानी अलग से है ये बहुत जल्दी जो है खुश्क हो जाएगा और इसका बहुत ही अच्छा सा जो है टेक्स्चर आएगा बर्फी का। 4 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है। आपने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग करनी है, कम या ज़्यादा जितनी भी आपको पसंद हो। इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और 1/2 टीस्पून हमने इसमें सब्ज इलायची का पाउडर शामिल कर दिया है खुशबू के लिए। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा इन्हेंस होगा और बहुत ही फ्लेवरफुल सी हमारी जो है बर्फी तैयार होगी। अब हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ जो है बराबर में चम्मच चलाते जाना है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी शामिल कर दिया है। और घी के अंदर मिक्स करते जाएंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसे कुक करना है, नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना। तकरीबन ये ड्राई हो चुका है, 2 से 3 मिनट तक हम इसे और कुक करेंगे। हमारी डोडा बर्फी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद कर देंगे और जिस भी मोड में आपने जो है बर्फी को सेट करना है उसे आयल से ग्रीस कर लेंगे और सारा बर्फी का बैटर जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। जितना थिक आपने बर्फी को रखना है इस तरह से जो है आप इसे सेट कर लें। और कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसके ऊपर शामिल कर दिए हैं, बादाम और पिस्ता। अब 1/2 घंटा हम इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है, बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आपने कटिंग अपनी पसंद के मुताबिक करनी है। मैं थोड़े बड़े पीसेस रखूंगी। अगर आपको छोटे पसंद हो तो आपने जो है उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से अपनी आपी के चैनल को लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। और ये बिल्कुल फ्री है। और वीडियो देख के कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपके कमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। ये देखें जी, हमारी बहुत ही यमी सी बहुत ही रिच बर्फी तैयार हो चुकी है। 10 मिनट में हमने ये डोडा बर्फी तैयार कर ली है बहुत इजी और क्विक मेथड से। आप ये रेसिपी ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना यमी और रिच है। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।
फिर मुलाकात होगी ऐसी यमी और हेल्दी रेसिपी के साथ।